सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की योगासन के बाद में कभी कभी नहीं बल्कि अधिकतर व्यायाम के बाद लघु शंका करनी चाहिए इसलिए कुछ इसलिए भी जाते हैं फिर आके बैठते हैं तो वैसे भी नियम के अनुसार जब योगासन करें तो बाथरूम जाया करें दूसरा भोजन के पहले और भोजन के बाद बाथरूम जाना चाहिए उससे बहुत तरह के रोग नहीं होते हैं खाने के बाद बाएं करवट लेटना चाहिए जिससे अग्नि प्रदीप्त तो होती है पाचन संस्थान अच्छे बनते हैं इसलिए खाके मुँहते बाएं सूते उसको वैद कभी ना पूछे प्रातः काल निन्ने मुंह पानी पिए भूंजी हरड़ जे खाए दूध बियारी जे करें तीन घर बैद न चौथा एक सिद्धांत है तू पिवेत, पिवेत पया भोजनांते पिवेत तक्रम सर्व रोग विनाशनम भोजन दिन के भोजन के बाद छाछ पीना चाहिए रात के बाद अर्थात सुबह पानी पीना चाहिए दिन के बाद अर्थात रात को दूध लेना चाहिए भोजन के बाद मठा अग्नि को प्रदीप्त करता और भोजन को हजम करता है सभी रोगों का कारण पेट है सर्वेशाव रोगाणाम निदानम कुपिता मलह मल का बिगड़ जाना शरीर के भीतर मैल का जमा होना यह सभी रोगों का कारण है इसलिए स्वास्थ्य के लिए अधिक दवाइयां न खाना पड़े डॉक्टरों के चक्कर न लगाना पड़े, उसके लिए छोटे से नियम पालें कभी कभी इन छोटे से नियमों का मन भरोसा ही नहीं करता कि इतने से रोग चले जाएंगे। सुबह पानी पीने से भोजन के बाद मठ्ठा लेने से या भोजन या दिन में हरड़ का प्रयोग करने से कभी कभी हरड़ को रात को भी हरड़ का चूर्ण फाँक करके सोवे तो कब्ज नहीं होता और पेट में मल का रुकना सबसे रोग का कारण है आजकल तो गोबर गैस प्लांट चलाते हैं ना गोबर भर देते हैं तो गैस बनती है तो जिसके भीतर भरा रहेगा गैस बनेगी यदि जमा नहीं रहेगा तो गैस नहीं बनेगी इसलिए पेट साफ नहीं होने से गैस बनती है उसका प्रभाव छाती पर सिर पर बालों पर सब प्रभाव करता है इसलिए कुछ छोटे छोटे नियम यदि पाल लें तो उससे बहुत लाभ हो सकता है शरीर को सक्रिय करने से रक्त संचार होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है तेल लगाएं तो, तो बहुत अच्छा है अपने आप लगा लें और नहीं तो ऐसे ही अपने हाथों को मलना चाहिए जिसको श्वास का दमा का जुखाम का ज़्यादा प्रभाव रहता है वो थोड़ी भक्शिका के साथ जब भी बाहर निकलें गर्मी से तो अपने शरीर को ऐसे करके ऐसे करके शरीर को बिल्कुल तैयार कर लें जैसे मैच वाले लड़के थोड़ी देर पहले करते हैं फिर खेलते हैं तो हम ठंडी गर्मी में जावें विपरीत परिस्थिति में शरीर को सावधान कर दे तो उससे ऐसे करने से फिर ठंडी हवा में निकलते हो तो उसका जुकाम नहीं होता कई बार गर्म से सर जाते छीके आती हैं इस तरह के बहुत से रोगों को लाभ हो जाता है छोटे छोटे से सावधानियों से दूसरे कभी ठंडी लगी हो यदि आप अपने हाथों को रगड़ के सारे शरीर को रगड़ेंगे तो गर्मी पैदा हो जाती है जैसे कि अभी बात चल रही थी हाथों के मलने की पहले हमने सुना कि सतियां जब पति के साथ सती होती थी मृत्यु में तो अपने हाथ को ऐसे करके कहते हैं, आग पैदा करती थी आग लगाती नहीं थी अपने अंदर से आग पैदा करती थी उससे ही जल जाती थी कितनी बात है तो इतना तो सबको मालूम है कि लकड़ी रगड़ने से आग पैदा होती है हाथ रगड़ने से भी आग पैदा होती है और छोटे में हम एक खेल खेला करते थे सन के डंठल को आग पर जलाते थे और बुझा देते थे और उसको सिर पे ऐसे करते थे ऐसे करके और सूखे तिनके हथेली पे रखते थे ऐसे अभी चाहे करके आ जाए देख लेना थोड़ा सा लकड़ी को जलाना कोयला सी हो जाएगी उसको राख में बुझा लेना और उस सेल्ला जिसको बोलते हैं सन की डंडी को फिर पर ऐसे करके सूखे तिनकों के इतने ऊपर रखोगे तिनकों को उठा लेगा चुंबक की तरह जैसे चुंबक लोहे को खींचता है ऐसे वो सूखे तिनकों को उठा लेगा अर्थात उसमें चुंबकीय शक्ति पैदा होती तो घर्षण से भी चुंबकीय शक्ति पैदा होती है उससे तमाम लाभ प्राप्त होते हैं तो आप लोग इन कई दिनों में कुछ सीखा है उसका प्रयोग अपने घर पर करोगे तो उसका आपको स्वास्थ्य से लाभ होगा मन को भी लाभ होगा कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिनको नियमित करने से मन अपने आप शुद्ध रहता है इसीलिए गीता के महात्म्य में एक श्लोक लिखा है गीता ध्यनशीलत से प्राणायाम परस्य से गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला पूर्व नैव संत ही पापानी पूर्व जन्म कृतानी चे उसको पूर्व जन्म के किए गए पाप भी समाप्त हो जाते इतना प्रभाव प्राणायाम का है इसीलिए आजकल ब्याह शादी यज्ञ कोई काम करेंगे पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे तो पंडित कहते हैं तीन बार श्वास लेके रोक के छोड़ दो नियम पूर्ति करवाते कुछ नहीं पर ये याद बनी है कि प्राणायाम इतना महत्व का है कोई पूजा पाठ करो तो प्राणायाम करो इसी तरह से गाय का महत्व कोई यज्ञ में बैठेगा यज्ञ का यजमान बनेगा आहुति के लिए तो पहले प्रायश्चित करता है और वह पंचगव्य पीता है गो दूध गो दही गो घृत और गोमूत्र और गोबर ये पांच चीजें मिलाकर जब लेता है तो वह यज्ञ में बैठने के पात्र बनता है इतना पंचगव्य का महत्व है पंचगव्य माने विकारम गव्यम गाय के पांच विकार गाय से पैदा हुए पांच दूध दही घी मूत्र और गोबर गोबर को थोड़ा निचोड़ कर उसका निकाल कर मिक्स करके उसका क्रम है मिलाने का भी जैसे यज्ञ में तिल उससे कम चावल उससे कम जौ यज्ञ में सामान मिलाना है विधि का बड़ा है कितना सीमेंट कितनी बजरी तो तो चिनाई करना ये नहीं कि सीमेंट ही है, सीमेंट है, ये नहीं कि बजरी बजरी तो इसी तरह से यज्ञ आदि में भी विधान है उसमें एक यह भी विधान है कि पंच गव्य में कितना क्या मिलाना तो जितना दूध उससे आधा दही जितना दही उससे आधा घी जितना घी उससे आधा गोमूत्र जितना गोमूत्र उससे आधा गोबर इस अनुपात में मिलाकर लेना चाहिए कई रोग यदि नियमित ये लिया जाए तो बहुत रोगों से छुटकारा हो जाएगा इसी तरह स्नान के लिए है मिट्टी स्नान साबुन नहीं मिट्टी स्नान गोबर स्नान तिल स्नान तिल को पीस कर उससे स्नान करना लेपन करना फिर स्नान करना आंवलक स्नान आंवले को पीसना शरीर पे लगाना दध ही स्नान दुग्ध स्नान अभी भी जब कोई आचार्य मंडलेश्वर बनता है या प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है तो प्रतिमा को भी इन सभी चीजों से स्नान कराया जाता अर्थात एक प्रतिमा भगवान बन जाती है तो मनुष्य भी से नारायण बन सकता है यदि इस तरह स्नान करे ये बहुत सारा कर्म कांड ऐसे ही नहीं है यदि विधिवत किया जाए तो अपने आप मन पवित्र बन जाता है संस्कारी बन जाता है आजकल ये कर्मकांड बंद हो गया यज्ञ यागा होते हैं तो वो भी प्रदर्शन होने लगा है विधियों का कोई पालन नहीं होता यदि विधि से ये सब करें तो बहुत लाभ होगा यद्यपि ये ध्यान की क्लास थी पर मुझे लगा कि ये भी थोड़ी चर्चा करूं अब आप थोड़ी देर प्रयोग करेंगे कुछ ध्यान के एक प्राणायाम आजकल रामदेव जी बहुत बताते हैं सबको मालूम है प्राणायाम रामदेव के नहीं हैं वो तो पहले से ही हैं पर वो उसमें आए टेलीविजन में आए थोड़ा हाईलाइट हुआ और बड़े जोर से करवा के कई लोगों को लाभान्वित किया तो एक क्रांति है बहुत अच्छा है कई लोग चिढ़े भी विरोध भी किया कई तो लोग इसीलिए चिढ़ते हैं कि हमारी दवाइयाँ कम बिकने लगी कई इसलिए चिढ़े कि हमारे अस्पताल में आने लोग कम हो गए बहुत दुर्भाग्य तो ये है कि दुकानदार का सौदा भी गंदा भी है नहीं एक मांस बेचने वाले का मांस ना बिके तो वो दुखी हो जाएगा इसलिए अलग अलग तरह के कई कारण होते हैं बैर के कोई संत महात्मा की रोड पे कुटी थी और उधर ही जंगल पड़ता था लूटने का तो लुटेरों ने समझा ये तो हमारी जगह कुटिया बनी है हमको मौका नहीं मिलता तो बाबा को मार दिया तो बहुत सारी समस्याएं है, चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको अंधेरा चाहिए वो चांदनी अब चांदनी बुरी थोड़ा होती है लेकिन चोर को नहीं अच्छी लगती तो बहुत अच्छी चीज़ें भी कई लोगों को अच्छी नहीं लगती हैं तो किसी के अच्छे न लगने से चंद्रमा बुरा नहीं हो जाता किसी के अच्छे न लगने से हमारे सत्य के प्रचार योग के प्रचार बुरे नहीं हो जाते यदि आदमी निरोग ज़्यादा हो जाए और डॉक्टरों को घाटा लगने लग जाए कई बार मरना कम हो जावे तो शमशान घाट में लकड़ी बेचने वालों को घाटा नजर आने लगता है बहुत यदि समाज धनवान हो जाए तो निर्धनता के नाम से जो वोट बैंक बनता है राजनीति की जाती है आरक्षण के नाम से ये सब बंद हो जाए तो कई लोग तो यही नहीं चाहते कि समस्या सुलझ जाए यदि समस्या सुलझ जाएगी तो वोट किसके मांगेंगे ऐसे ही राम जन्मभूमि की समस्या है कुछ दोनों नहीं बनने देना चाहते कुछ विरोध के वोट मांग रहे हैं कुछ राम जन्मभूमि के पक्ष के वोट मांग रहे हैं कुछ बनने देने के कुछ न बनने देने के दोनों राजनीति कर रहे हैं हम राम मंदिर का विरोध करेंगे जिससे मुस्लिम वोट दे हम राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे जिससे हिंदू दे बनने दोनों नहीं देंगे बात समझ में आई बनने देंगे तो अगला चुनाव कैसे लड़ेंगे सवाल ये राजनीतिक बहुत बदमाश होते हैं तुम तुम राजनीतिक मत बनो तुम धर्मात्मा बनो देश के भविष्य को उज्जवल बनाओ अपने जीवन को उज्जवल बनाओ ध्यान करो योग करो प्राणायाम करो सुबह उठो जल्दी उठो नहीं कि आठ बजे तक सोते रहो सुबह उठ करके शुद्ध हवा लो जीवन धन्य बन जाए अब इसको प्राण शुद्ध हवा सबसे सुंदर आहार है शुद्ध हवा शुद्ध हवा हमारे शरीर को मिलती रहे हम तमाम समझो मिल गए, विदेशी लोग सनबात, सूर्य स्नान करते सुबह की धूप लंगोटी लगाओ थोड़े कपड़ों में रह के धूप लो पीठ में लो शरीर में लो खुले मैदान पर छत पे लेटो थोड़ी सुबह सुबह की एक घंटे धूप लो सारा तमाम काम बन गए बिना पैसे के परमात्मा सब कुछ देता है पर हम बुद्धू लोग फ्री चीज नहीं लेते पैसे लगाते रहते और फ्री में सुबह दही रिढ़कते थे हमारे आसन हो गए चक्की चलाते थे हमारे आसन हो गए कमर के आसन हाथ के आसन पानी भरते थे आ, कई काम करते थे दौड़ते थे श्रम करते थे तो नहीं अब हेल्थ क्लब में जाते हैं हेल्थ क्लब में मशीन में खड़े होते हैं हर महीने पैसे देते हैं और ये ये करके चले आते हैं और क्या करो तो पहले पैसा बचाते थे दही खरीदने के बजाय घी खरीदने के बजाय बना लेते थे तो उधर पैसे बचाए और स्वास्थ्य ले लिया तो इधर पैसे बचाए पैसे बचाकर स्वस्थ रहते थे अब पैसे लगा कर स्वस्थ होने की कोशिश करनी पड़ रही तो भारतीय संस्कृति का सम्मान करो गौरव करो गरीब हैं, है इसलिए चक्की चलाए नहीं गरीब हैं इसलिए दही रीढ़ के नहीं हमें स्वस्थ रहना है देश की सेवा करना है इसलिए दही खुद रीढ़केंगे अब हम पैसे की पहचान हो गई दही घी बना बनाया ले लो मशीनों से कर लो मशीन से करना मना नहीं है यदि ज्यादा बनाना है तो मशीन से बनाओ पर दो किलो रोज दही रीढ़ को क्योंकि ज्यादा श्रम भी नहीं करना चाहिए पर श्रम रहित भी नहीं होना चाहिए यदि श्रम से मुक्त हो गए तो समझो बस अस्पताल के लायक हो गए इसीलिए हमारे एक नहीं हमारे चेले वो ये कहा करते हैं कि यदि कोई काम ना हो तो अपना कपड़ा कहते हैं फाड़ो फटा नहीं नहीं काम है तो कपड़ा फाड़ो अर्थात काम नहीं है तो काम पैदा करो आज लोग कहते कोई काम न रहे सब मशीनें करें हम बैठे रहें तो समझो मुर्दा बनने की तैयारी कर रहे जब मरोगे तब मरोगे जिंदा में भी मरे ही समझो जीवन मृतः कह निरुद्यमो यह जीते हुए मरा कौन है जिसके जीवन में कोई काम नहीं निष्क्रिय हो गया इसलिए आपको मैं एक सूत्र दे के जा रहा हूं आप कर सको तो करते रहे ना उसमें एक प्राणायाम भर्षिका भी है पर भर्षिका प्राणायाम के लिए ऐसे इस तरह से जोर से श्वास भर के श्वास फेंकना चाहिए। ये भा प्राणायाम है और दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम प्राणायाम भी है अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन भी है दो तरह से करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है और ये नाड़ी शोधन भी है जरा जल्दी करना इस तरह से यह नाड़ी शोधन है लंबी लेकर लंबी निकालना बाएं से लेकर दाएं दाएं से लेकर बाएं बाएं ये नाड़, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है ऐसे ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन ये करना भर्षिका करना और कपाल भाती करना एक बार लेकर कई बार फेंकना लेना कम लेने में जोर नहीं लगाना फेंकने पे लगाना ऐसे जैसे नाक निकालते ऐसे इस तरह रोज करने से सैकड़ों रोग नहीं रहते छाती के सिर के पेट के और मेरे एक शिष्य हैं प्रेमचंद मिश्रा जैसे गजेंद्र त्यागी हैं वो प्रोफेसर हैं जब पढ़ते थे तब मेरे पास आए थे मेरे पास सीखा पहले मैं करता था अब बूढ़ा हो गया दूसरे उपदेश के चक्कर में मैं खुद कम करता हूँ कराता भी नहीं हूँ तो प्रोफेसर प्रेमचंद मिश्रा जो मेरे शिष्य हैं जो उन्होंने पहले मेरे से सीखा वो क्या करते हैं कहते हैं बीस मिनट केवल ये करो और मैं स्वास्थ्य का बीमा हाँ बीमा वो है अग्निशार और उद्यान अग्निशार और उद्यान उद्यान का मतलब श्वास निकालकर पेट को पीछे की तरफ खींचना ये पांच दस बार उडयान करना श्वास निकाल कर पीछे पेट को खींचना फिर आराम से दो चार श्वास लेना जल लगातार नहीं करना नहीं दम फूलता है हार्ट को धक्का तो श्वास निकालना पेट खींचना थोड़ी देर आराम करना फिर श्वास निकाल कर पेट खींचना इसको बोलते हैं उडयान बंद उड्यान बंद पेट को पीछे खींचे रहना थोड़ी देर तक जितनी देर श्वास बाहर रहे पेट खींचा रहे फिर श्वास ले लो फिर आराम की श्वास लो फिर करो इसको पांच से दस बार तक करना चाहिए ये भस्त्रिका है अग्निशार है श्वास को बाहर करके अंदर बाहर पेट करना जैसे केवल बाहर करके पीछे खींचना उद्यान श्वास निकाल कर अंदर बाहर दोनों करना यह है अग्निशार अग्निशार माने अग्नि को बढ़ाने वाली अग्नि को मंदाग्नि को खत्म करने वाली पेट के तमाम रोगों को भस्म करने वाली अब श्वास लिया एक बार श्वास निकालकर चार बार छह बार आठ बार दस बार जितना आप अंदर बाहर कर सको करो जबरदस्ती नहीं फिर एक बार करके आराम करो क्योंकि देर तक श्वास बाहर रहती है मेहनत करते हैं तो दम फूलता है फिर एक बार देखें और शुरू में ना बने तो खड़े होकर टांगों में हाथ रख के श्वास निकाल के करना चाहिए अग्निशाथ फिर बैठ के धीरे धीरे नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे न पेट अंदर होगा न बाहर होगा हिलते भर रहोगे तो केवल हिलना नहीं है विशेष पेट की क्रियाएं तीन दिन स्त्रियों को नहीं करना चाहिए क्योंकि पेट नरम रहता है बाकी और खाने के बाद जलपान के बाद भोजन के बाद और नहीं करना खाली पेट में क्रिया का अभ्यास यदि प्रातः कोई करे तो रक्त संचार होगा अग्नि प्रदीप्त तो होगी रोग निवारण के लिए भारत ने बहुत दवाइयाँ नहीं बनाई लिखा सब कुछ है लेकिन दवाइयों के भरोसे जिंदा रहना ठीक नहीं है अब आंख बंद करें आंख बंद करके ये पेट की क्रिया करके देखें श्वास बाहर निकालें और खाली पेट को अंदर बाहर करें बंद आंखों ध्यान भीतर करें और एक बार करने के बाद थोड़ा सा आराम करें फिर श्वास को बाहर फेंक दें जितनी देर श्वास बाहर रहे ये पेट रूपी ट्यूब हवा से खाली रहे पेट को जोर लगाकर अंदर खींचो बाहर फेंको अंदर खींचो बाहर फेंको अंदर खींचो बाहर फेंको बहुत अच्छे यह क्रिया रोज कर लेना चाहिए यदि कुछ नहीं कर पाते तो इतना करो दो तीन प्राणायाम और पेट की क्रिया इतना करते रहो तो हम स्वास्थ्य की गारंटी कर सकते हैं और बहुत अच्छे एक बार करके आराम करना फिर दोबारा करना फिर आराम करना और अब श्वास को बाहर फेंकने के बाद अंदर ना लो पेट को अंदर बाहर ना करो केवल अंदर ही अंदर खींचे रहो पीछे की तरफ खींचे रहो खींचे रहो खींचे रहो मूलाधार स्वाधिष्ठान और नाभि नाभि चक्र मणिपूरक स्वाधिष्ठान मूलाधार तीनों खींचे हों श्वास बाहर हो फिर श्वास ले लें फिर दो तीन श्वासें लेकर आराम करें फिर श्वास बाहर फेंकें बाहर फेंक कर पेट को पीठ की तरफ खींचें स्वाधिष्ठान मूत्राशय और मलाशय दोनों जगहों को खींचे और थोड़ी देर खींचे रहें फिर छोड़ दें इस तरह से ये कई कई बार इन क्रियाओं को दोहराना चाहिए बहुत अच्छे आंख बंद रखते हुए अब दोनों नाक के छेदों से जितनी लंबी धीरे धीरे ले सको श्वास लो और थोड़ी देर रोक कर छोड़ दो धीरे धीरे लगातार लीजिए ध्यान को भीतर रखिए धीरे, धीरे धीरे खुशी से श्वास लंबी लीजिए धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं शरीर लंबा हो रहा है सीना फूलता जा रहा है गले से सिर तक श्वास भर गई और फिर धीरे धीरे छोड़ दी फिर धीरे धीरे भरो पूरे शरीर को लंबा होते जाने दो सीना उभरते जाने दो गर्दन और ऊपर चली गई शरीर ऊपर चला गया श्वास भर ली और तो धीरे 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 श्वास छोड़ दी बहुत अच्छे श्वास भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं शरीर लंबा हो रहा है सीना फूलता जा रहा है गर्दन भी फैलती जा रही सिर तक श्वास चली गई फिर धीरे धीरे सीना सिकुड़ता जा रहा है पेट सहज होता जा रहा है श्वास वापस चली गई बहुत अच्छे खूब खुशी के साथ प्रसन्नता के साथ आनंद के साथ बहुत अच्छे और भीतर होश में आओ होश क्या चीज है होश कहाँ है इस समय ध्यान कहाँ है पहले ध्यान क्या चीज है फिर ध्यान कहाँ ये बात की बात परमात्मा में है या भी किसी व्यक्ति में है या वस्तु में है ध्यान पहले ध्यान क्या है समझें फिर ध्यान कहाँ लग रहा है कहाँ लगाना है कहाँ जाता है ध्यान जाता कहाँ है ध्यान ले जाना कहाँ है ध्यान क्या है इस समय आप ध्यान कहाँ है आपका श्वास लेने में है या इधर उधर फिर धीरे धीरे इसी इसी उसमें यह ध्यान दें कि श्वास लेते समय कोई मंत्र श्वास लेते समय कोई मंत्र याद रखते हुए श्वास में याद रखते हुए श्वास छोड़ें इसमें शोहम मंत्र बहुत आच्छा रहता है धीरे धीरे देर तक श्वास खींचे और धीरे धीरे देर तक श्वास निकालें अर्थात सो हम शो आवाज मुंह से नहीं वाणी से नहीं संकल्प से श्वास के साथ शो से श्वास लेना और हम से छोड़ना शो से श्वास लेना हम से छोड़ना देर तक लेना देर तक छोड़ना पहले लंबी श्वास जितनी ज्यादा ले सको लेना और जितनी ज्यादा छोड़ सको छोड़ना पहली इसी में फिर दूसरी साधना है कि कम जोर लगाना जोर नहीं लगाना धीरे धीरे देर तक लेना धीरे धीरे देर तक छोड़ना इसमें फोर्स नहीं जोर नहीं बल प्रयोग नहीं पर लेना धीरे धीरे लंबी है और धीरे धीरे लंबी छोड़नी है बहुत अच्छे ये दूसरा प्रयोग है मंत्र का पहला फोर्स से शीना फुलाते हुए सिर तक ले जाना फिर धीरे धीरे छोड़ना फोर्स से पूरी लेना पूरी छोड़ना फिर धीमी धीमी लेना देर तक धीमी धीमी छोड़ना दूसरा तीसरा सहज श्वास चाहे धीमी हो जाए चाहे बिल्कुल ना चले बहुत छोटी हो जाए सो हम सो हम बिल्कुल बीमार की तरह सहज बिना बल प्रयोग के जितनी स्वाभाविक श्वास हो बिल्कुल प्रयत्न न हो बस तैयार रहो श्वास आई आ जाने दी गई चले जाने दी बस सावधान है आते में शो जाते में हम का अनुभव करना है सुमिरन सिर्फ करना है अब करना कुछ नहीं सिर्फ सुमिरन श्वास आ रही थी आ गई आने दिया जा रही थी जाने दिया सावधानी इतनी कि मंत्र हर श्वास में श्वास निसरे एक एक श्वास में मंत्र का विस्मरण ना हो इक्कीस हजार सौ श्वास चलती हैं, जिसमें एक हर, दो चार सौ श्वासें तो मंत्र सहित लीजिए सुमिरन सहित लीजिए ध्यान से लीजिए बिना ध्यान के बिना मंत्र के बिना सुमिरन के तो दिन भर चलती है सोने में भी चलती है जागने में भी चलती है पर जागने में सुमिरन नहीं चलता स्मरण नहीं चलता और सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ हरि सुमिरे दुख जाए नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मनमाही श्वास ग्रास नहीं बिसरे नाम न बिसरे नाम न बिसरे ऐसी कृपा करो महाराज नाम न बिसरे अधिक से अधिक श्वासों में नाम चले मंत्र चले अधिक से अधिक श्वास सुमिरन से जाए बेहोशी में न जाए सोते में न जाए और केवल जगते हों दुनिया में लगे हों ऐसी नहीं कुछ श्वासें जाएं जब मैं भजन में हूँ वही श्वासें कीमती हैं हीरा हैं मूल्यवान हैं जिन श्वासों में प्रभु का नाम चला है कोई मंत्र चलता रहा उसमें शो हम भी है रा म भी है सीता राम भी है राधे श्याम भी है हे राम भी है हे नाथ भी है ऐसे कोई मंत्र श्वास श्वास से पुकारो पुकारो हे नाथ प्यार से पुकारो हे नाथ मेरा जीवन धन्य हो गया हे राम हे राम हे राम सो हम प्रेम से पुकारो श्रद्धा से पुकारो होश से पुकारो सुमिरन से सुमिरन एक होता है जप जप में कई बार सुमिरन नहीं होता सुमिरन में तो जप स्वाभाविक है सुमिरन में जप तो हो ही रहा है पर सुमिरन है स्मरण पूर्वक मंत्र चले इसलिए एक को माला बोलते हैं जिससे लोग जपते हैं एक छोटा रखते हैं जिसको लोग सुमिरनी बोलते हैं सुमिरनी ये अजपा सोहम और कोई भी मंत्र सुमिरन करना है जाप जाप तो लोग करते हैं हाथ से माला से जबान से मन कहीं रहता है सूरति कहीं रहती यहाँ सूरति ही जाग गई सुरति सुमिरन में लग गई मेरी सूरत सुहागन जागरी सुमिरन में लागरी प्रभु सुमिरन में लागरी राम नाम में लागरी मेरी सूरत सुहागन जागरी जाग जा होश दो मिनट और दो मिनट बड़े प्यार से शांत हो जाओ गहरे उतर जाओ श्वास के सहारे किसी अनंत गहराई में चले जाओ या अनंत आकाश में उड़ जाओ सुमिरन करते करते अनंत आकाश में चले जाओ या सागर की गहराइयों में नीचे 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 उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ तो भी वहीं पहुंच जाओगे चढ़ते जाओ तब भी वहीं पहुंच जाओगे सुमिरन करते जैसे रस्सी के सहारे लोग कुएं से ऊपर भी आ सकते हैं और रस्सी के सहारे कुएं में उतर भी सकते हैं दोनों हाथ लड्डू है श्वास के सहारे शून्य में गहराई में उतर जाओ उतर जाओ या शून्य में चढ़ जाओ शून्य शिखर चढ़ जाओ सुरतिया ऐ मेरी सूरत या शून्य शिखर में चढ़ जाओ या अह आनंद के सागर में डुबकी लगा जाओ शून्य शिखर में चढ़ जाओ या आनंद के सागर में डूब जाओ डूब जाओ डूब जाओ ऐ मेरी सूरत नाम लेते लेते नाम लेते लेते शून्य में समा जा एकांत में चली जा निराकार में जा जहाँ कोई आकार नहीं सागर में जा आनंद ही आनंद है कोई पदार्थ नहीं है आनंद है फूल की सुगंध नहीं बिना फूल की सुगंध विषय का आनंद नहीं बिना विषय का आनंद आकार का आनंद नहीं निराकार का आनंद आनंद ही सागर है आनंद ही आकाश है आनंद एक चेतना है आनंद एक अस्तित्व है कोई पदार्थ नहीं अलग नहीं इस तरह नाम लेते लेते होश में धीरे धीरे डुबकी लगाओ गहराई में जाओ एक दो मिनट के बाद बिना हड़बड़ाहट के अंतर की आज्ञा लेकर भीतर की साक्षी में हे प्रभु हे अंतरात्मन क्या मैं उठूं? उठने की इच्छा है फिर निर्णय करो पहले लोग दवा लेने जाते थे तो एक दिन पहले निमंत्रण देते थे कि कल हम दवा लेने आएंगे जड़ी बूटी खोदेंगे वो ज्यादा शुभ होती है प्रभाव डालती है ऐसे ही छोड़ने के पहले अंदर से संकल्प करो अब हम छोड़ेंगे हम अचानक नहीं अब हम छोड़ेंगे निर्णय लिया है अब ध्यान छोड़ना है अच्छा लगने पर भी काम काज करने हैं इसलिए छोड़ देंगे दर्द करते हुए हाथ को नहीं हटाना था पर अब हटाना है हाथ बदलना है पैर बदलने हैं चेंज करना है अंदर से जो आवश्यकता है वह काम करो पहले देखो आवश्यकता क्या है जरूरी काम क्या है हाथ बदलना रीढ़ सीधी करना गर्दन में परिवर्तन या आंख खोलना ज्यादा जरूरी क्या है ध्यान जरूरी या और कोई काम यदि और कोई काम जरूरी है तो जो ज्यादा जरूरी पहले वो करो आसन बदलो फिर हाथ फिर आँख खोलना आँख खोलो फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे मसलते हुए ध्यान से ध्यान से हाथ मसलते हुए अपने मुख में फेरते हुए धीरे धीरे ध्यान छोड़ दो बहुत अच्छे धीरे धीरे ध्यान छोड़ दो बहुत अच्छे बहुत अच्छे अभी सुबह का कार्यक्रम पूरा हुआ आज शाम को इस कार्यक्रम की पूर्णता है समापन सम्यक प्रकार समाप्तम सब कुछ सम्यक प्रकार से प्राप्ति हो गई उसका नाम समाप्ति यह पूर्णता आज शाम को यह कार्यक्रम पूरा होगा अधिक से अधिक संख्या में आज अंतिम प्रसाद संतों का लीजिए और कार्यक्रम में जो सीखा है उसका अनुभव करिए मनुष्य दुर्बलताओं का पुतला है लेकिन धीरे धीरे दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करना है अब छुट्टी